एवरीवन, स्वागत है आप सबका इनोवेशन कॉर्नर में। मैं और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त साहिली। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा मेरे वीडियो का इंट्रो इंग्लिश में करती हूँ, तो आज मैं हिंदी में क्यों कर रही हूँ? तो बात यह है कि आज हम कोई भी DIY प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। आज हम करने वाले हैं Q&A सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस आए हैं उसके मैं आज आपको आंसर देने वाली हूँ, और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे हिंदी में आए हैं, इसलिए आज का वीडियो हिंदी में। तो आज के वीडियो में और एक खास बात है कि वीडियो के एंड में होने वाला है एक बहुत बड़ा शाउट आउट। मैंने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे सबको मैसेज भेजा था कि जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करेगा उनका उनमें से पहले 5 सब्सक्राइबर्स का मैं नाम शाउट आउट करने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए और पता चलेगा आपको कि आपका नाम इस वीडियो में है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल पूछा है जीनल ने कि फैब्रिक में मिरर लगा सकते हैं क्या, प्लीज़ आंसर। तो जीनल, आपने क्वेश्चन पूछा है फेविक्रिल 3D नियॉन लाइनर के लिए कि क्या हम इससे मिरर चिपका सकते हैं। तो मैंने अभी अभी ये ट्राई करके देखा है और मेरे ख्याल से आप इसमें मिरर चिपका सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको बाहर से एक आउटलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये पता ना चले कि आपने ऊपर से चिपकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम SN शरीफ, देन हिमांशु यादव एंड स्वाति। सो आप सब लोगों ने पूछा है कि मैंने DIY बांधनी स्कार्फ जो है मेरा उसमें क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो उसमें मैंने यूज़ किया है मलमल का फैब्रिक, और जो हम पेपर के लिए यू क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें जो बड़े साइज़ के यू पिंस आते हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, और उसके अलावा मैंने क्रोशेट थ्रेड यूज़ किया है मेरे बांधनी स्कार्फ को बांधने के लिए। इसके अलावा आप जो हार बनाने के लिए थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं वो भी आप इसमें 2 या 3 लेयर बना के यूज़ कर सकते हैं। रबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं बांधने के लिए इस फैब्रिक को। इसके अलावा फिर सीज़र है, और ब्लू एंड इंडिगो कलर का फैब्रिक डाई मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा है कलर फिक्सर। अगर आपके पास कलर फिक्सर नहीं है तो आप घर में जो नमक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नमक की वजह से एक्स्ट्रा कलर निकल जाता है और बाकी का कलर कपड़े में बैठ जाता है। और फिर मैंने यूज़ किया है कुछ डेकोरेटिव बटन्स। तो ये बटन्स आपके स्कार्फ के हिसाब से आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मेरा स्कार्फ सिर्फ मोनोक्रोम शेड में था, दैट इज़ ओनली ब्लू, तो इसलिए मैंने सिल्वर कलर के और चमकते हुए बटन्स इस्तेमाल किए थे। इसकी जगह पे मैं ब्लू कलर के दूसरे कोई बटन्स भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके अलावा फिर है फैब्रिक ग्लू। मैंने एजेस को स्टिच नहीं किया है, बल्कि मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके वो एजेस को सील किया हुआ है। तो अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो फैब्रिक ग्लू हर चीज़ का सॉल्यूशन है। उसके अलावा फिर नीडल है, एंड खड़े मीट जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, वो इस्तेमाल किया है मैंने, और किचन के यूटेंसिल्स जैसे कि बर्तन है बड़ा वाला जिसमें मैंने सब डाय वगैरह मिक्स करके उसमें वो कपड़ा भिगोया था। तो ये सारी चीज़ें आपको लगती है DIY स्कार्फ, बांधनी स्कार्फ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है ओम प्रकाश वर्मा ने। हेलो मैम, क्या आप बता सकती है कि ये ग्लिटर फोम शीट्स क्यों कौन से स्टोर में अवेलेबल है? तो ग्लिटर फोम शीट्स आपके आसपास के किसी भी स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे आसपास जो स्टोर है वहाँ पे मुझे ये ग्लिटर फोम शीट मिलती है 22 रुपीज़ में, विच इज़ इन रेड कलर, और ये सेल्फ एडहेसिव शीट है, मतलब इसके पीछे का जो वाइट पेपर है ये अगर मैं निकाल दूँ तो ये मैं आराम से किसी भी चीज़ पे चिपका सकती हूँ। इसमें नॉन एडहेसिव ग्लिटर फोम शीट्स भी आते हैं जो प्राइस में थोड़े कम है, मेरे ख्याल से 15 रुपये का एक शीट होगा या 10 रुपये का। तो आपके आसपास कौन से स्टोर में क्या अवेलेबल है ये आप देख सकते हैं, नहीं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आपको आराम से ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है हिमांशु गंदे, व्हाट काइंड ऑफ पेंट्स कैन बी यूज्ड इफ आई नीड द पिलो कवर टू बी वॉशेबल? और ये क्वेश्चन आपने पूछा है ईजिएस्ट वे टू मेक कुशन कवर यूजिंग फैब्रिक मार्कर्स। तो जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में दिखाया था कि आप फैब्रिक मार्कर्स यूज़ करके कोई भी कुशन कवर हो या आपका टी शर्ट हो या बेडशीट हो या कोई भी फैब्रिक हो आप पेंट कर सकते हो। तो मेरे वीडियो में मैंने ये वाले फैब्रिक मार्कर्स यूज़ किए हुए थे,
तो ये फैब्रिक मार्कर्स तो मेरे पास है ही, इसके अलावा मैं आपको ऑप्शंस दिखा सकती हूँ कि आप कौन से मार्कर्स या अदर मटेरियल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर एक ऑप्शन है, दैट इज़ शार्पी मार्कर्स। शार्पी मार्कर्स में मेरे पास जो है ये अल्ट्रा फाइन पॉइंट है, इसमें बॉल पॉइंट भी आता है। ये ऑफिस मेड फैब्रिक मार्कर्स है जो मैंने मेरे वीडियो में यूज़ किए हुए हैं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं टी शर्ट टेक्सटाइल मार्कर 1-3 mm, और इसके साथ उन्होंने डायरेक्शंस भी दिए हैं आपको यूज़ करने के लिए, और इसमें अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो मेरे पास इसके 4 शेड्स हैं, ब्लू, नियॉन ग्रीन, नियॉन पिंक एंड नियॉन ऑरेंज, बिकॉज मुझे नियॉन कलर्स बहुत पसंद है। इसके अलावा फेविक्रिल हॉबी आइडियाज़ के राउंड टिप फैब्रिक पेन भी आते हैं, जो आप जो वाटर बेस्ड है, वॉश प्रूफ है और फेड प्रूफ भी है। तो इसमें मुझे एक ही मार्कर मिला और मैंने ये मार्कर ज़्यादातर मार्केट में देखे नहीं है। तो आपको अगर ये मार्कर लेना है तो आप मेरे ख्याल से आपको फेविक्रिल के वेबसाइट पे जाके इसे ऑर्डर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने रिसेंटली प्रोडक्ट ट्रायल रिव्यू किया हुआ था सेलो मार्कर्स का, पर वो मेरे ख़त्म हो गए हैं तो मुझे नए लाने पड़ेंगे, उसके बाद में वो आपको दिखा सकती हूँ। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको मेरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ट्रायल ऑफ सेलो मार्कीज। और ये है अनदर मार्कर, विच इज़ एक्रेलिक पेंट मार्कर बाय पैथोस इंडिया। ये वाटर बेस्ड मार्कर्स है और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर लाइक शार्पीज, ये शार्पीज के जैसे ही है। जैसे शार्पीज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, वुड हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, फैब्रिक हो या एक्रेलिक शीट्स हो, वैसे ही पैथोस इंडिया के मार्कर्स आप किसी भी शीट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और एक ऑप्शन है जो मैंने अब भी वीडियो में दिखाया है, वो भी फेविक्रिल का ही है, दैट इज़ 3D नियॉन लाइनर। दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली वॉशेबल, ये धोने के बाद नहीं जाता। इसका भी मैंने प्रोडक्ट ट्रायल किया हुआ है, इसका वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके पास और एक ऑप्शन है, वो है फैब्रिका एक्रेलिक कलर पेन स्टाइल, ट्यूब स्टाइल। तो ये ग्लिटर वाले आते हैं और आपको सिर्फ इसको प्रेस करना है और आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। इसमें आपको ग्लिटर्स में अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, मेरे पास है नियॉन येलो और नियॉन ग्रीन कलर। इसके अलावा और एक मटेरियल है कैमल का पफी मीडिया टू एम्बॉस पेंटिंग। ये अगर आप यूज़ करते हो तो ये ड्राई होने के बाद आपको आयरन करना पड़ता है, फिर वो डिज़ाइन उभर के आता है और फिर वो डिज़ाइन पे आप कोई भी पेंट यूज़ करके इसे परमानेंट बना सकते हो। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो ऊपर लिंक में क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। फिर ऑप्शंस आपके पास है, वो है परमानेंट फैब्रिक मार्कर्स। तो इसमें अभी मेरे पास है फेविक्रिल नियॉन एक्रेलिक कलर, जिसमें है नियॉन पिंक। उसके बाद है फेविक्रिल पर्ल कलर्स, तो इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं पर्ल कलर्स में, और ये आप किसी भी फैब्रिक पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सिल्क हो, कॉटन हो, रॉ सिल्क हो, कोई भी, क्योंकि मैंने खुद इसे बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर आपको मिल जाते हैं फेविक्रिल फैब्रिक कलर्स, ये थोड़ा बड़ा बॉटल है, रिटेन्स द नेचुरल फील ऑफ फैब्रिक। इससे ये कलर इस्तेमाल करने से आपका फैब्रिक हार्ड नहीं होता, पहले फेविक्रिल के जो कलर्स आते थे उससे फैब्रिक हार्ड हो जाता था। तो अभी उनका जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और वो कलर से फैब्रिक स्टिफ भी नहीं होता है, और मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में आपने कैसे कितना थिक लेयर उस पर दिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नॉर्मल लेयरिंग किया है जस्ट वन स्ट्रोक, तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में वो कलर ड्राई भी हो जाता है एंड यू आर वेरी इजी टू गो एंड यूज़ योर कुशन। सो ये थे आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी टाइम है शाउट आउट का, कि जिन्होंने मेरे वीडियो पे पहले 5 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया हुआ था, तो चलिए देखते हैं कौन है वो सब्सक्राइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैथिली फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो, एंड एज यू हैव सजेस्टेड मी दैट आई शुड ट्राई मैक्रून्स, सो व्हेन आई गो टू डोंबिवली आई विल डेफिनेटली ट्राई मैक्रून्स एंड आई विल पोस्ट द वीडियो एज यू हैव सजेस्टेड मी ऑन माय व्हाट्सएप लिस्ट।
So second shout out is for Nitin sir. Nitin sir, thank you so much for subscribing my channel and commenting on my video. Do like my videos or do share my videos with your friends, and yeah, thank you very much again. Then we have next subscriber. Thank you so much Shubhankar for commenting on my video, and I appreciate that you every time comment on my videos telling me what should I do better or how should I do the shooting and everything. So yeah, thanks so much Shubhankar. Next we have Xavier. Hi Xavier, thank you so much for commenting on my video, and I appreciate that you take time and do watch my videos. Then we have yes, Tamankar Kaka, thank you so much. मला माहिती आहे तुम्ही माझे व्हिडिओज नेहमी बघता आणि असंच माझ्या व्हिडिओजवरती प्रेम करत राहा. तुमच्यासारख्या सगळ्या सबस्क्रायबर्सची मला खूप खूप गरज आहे, अँड थँक्यू सो मच. दीपार्ती, हाय दीपार्ती, थँक्स अ लॉट फॉर सबस्क्रायबिंग टू माय चॅनल अँड थँक्यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय व्हिडिओ. अँड आय विल डेफिनेटली गिव्ह यू दोज मरँग्स वेन एवर आय मेक देम नेक्स्ट टाईम. So share my videos with all of your friends and tell them to comment down my video. That's all for today guys. ये थे आज के पहले 5 subscribers जिन्होंने मेरे पिछले video पे comment किया हुआ था, और ये था उनके लिए special shout out. So I will see you guys in the next time. Till that time, take care and bye.